प्यारे दोस्तों, वैष्णवी इजी लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं पानी, बर्तन और हेल्थ के बारे में बात करूंगा। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। जैसे स्वाति नक्षत्र में पानी की एक बूंद का गुण एक है, पर उस बूंद का अलग अलग जगह पर गिरने पर गुण धर्म बदल जाता है। स्वाति नक्षत्र वर्षा की यदि एक बूंद कदली पर गिर जाए तो वह कपूर बन जाती है, और सीप के अंदर गिर गई तो वह मोती बन जाती है। यदि वही पानी की बूंद सांप के मुंह में गिर जाए तो वह विष बन जाती है। तो दोस्तों, पानी की एक बूंद का अलग अलग जगहों पर गिरने से उसके तीन गुण हो गए, सारा गुण धर्म ही बदल गया। उसी प्रकार दोस्तों, यदि पानी भी हम जिस बर्तन में रखेंगे, बर्तन के गुण धर्म के अनुसार पानी का गुण धर्म भी बदल जाता है। स्टील के बर्तन में पानी स्टील के गुण धर्म से प्रभावित होगा। मिट्टी के बर्तन में पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध और स्वास्थ्यदायक होगा। मिट्टी के बर्तन का पानी अशुद्धियों को सोख लेता है। मिट्टी पानी के सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाने का काम भी करती है। मिट्टी के बर्तन में रखे पानी पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मिट्टी में मौजूद क्षारीय गुण पानी के साथ मिलकर पीएच बैलेंस को भी संतुलित रखते हैं। तांबे के बर्तन में पानी रखने से शरीर के विषैले तत्व खत्म हो जाते हैं। तांबे का बर्तन कैंसरकारी तत्वों को रोकने में बहुत असरदार है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से तांबे के बर्तन का पानी बहुत गुणकारी है। तांबे के बर्तन में ऐसे विशेष गुण होते हैं जिससे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे गठिया और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। चांदी के बर्तन का पानी पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, पाचन तंत्र ठीक रहता है। चांदी शरीर में खून की कमी को भी पूरा करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। तो दोस्तों, आप खुद चुनिए कि हमें किस बर्तन में पानी रखना है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और हमारे चैनल वैष्णवी इजी लाइफ को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आने वाली नई वीडियोस का लाभ आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।